आगामी विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आजकल मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य भी चल रहा है। इसी संबंध में समसामयिक सवालों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं एसडीएम सदर आईएएस मैडम चांदनी सिंह से। मैडम, क्या कुछ चल रहा है आपके स्तर से? सबसे पहले तो इसमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो क्षेत्र देखा जा रहा है मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण या अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों में, वो कौन सा देखा जा रहा है? कोई विधानसभा क्षेत्र देखा जा रहा है या केवल अपनी तहसील से संबंधित? नहीं, विधानसभा क्षेत्र 84 जो है, मथुरा ही कहलाता है, वो है, वो मैं उसकी डायरेक्टली ईआरओ हूँ और आरओ भी हो जाऊँगी, तो वो डायरेक्टली मेरे अंडर आ रहा है। और यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि हम पूरा जोरों शोरों से अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, स्कूलों में हम अभियान चलवा रहे हैं, रैलीज निकलवा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, जो ये पुनरीक्षण है, ये अच्छा हो, इसकी गुणवत्ता अच्छी से अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा और नए नाम जुड़ें, और जो मृतक हैं या शिफ्ट हो गए हैं या फिर उनका नाम गलती से दोबारा आ गया है, उसको हमें शुद्ध करना है, वो हटाने हैं नाम। तो इसके लिए पूरी तैयारी हमारी अभी जारी है। हटाने का भी कार्य चल रहा है? अभी पिछले दिनों ये कहा गया था कि हटाने की कार्यवाही अब आजकल नहीं चल रही जी, है, जिसमें प्रधान आदि हाँ जी पुष्टि कर देता है उसी नाम को हटाया जाएगा जी जी। नहीं, उसमें पूरा हम जो प्रिकॉशन है वो तो लेके चल रहे हैं। इस समय प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल माहौल है, तो ये भी देखा जा रहा है कि गलती से किसी का गलत नाम ना कटे, उसके लिए एक हफ्ते का नोटिस पीरियड भी होता है जो दिया जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी का नाम बिना चेतावनी के काट दिया जाए। और आप सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर काम पिछला जो रिविजन हुआ था उसमें ख़त्म हो गया है विलोपन का, पर अभी भी हम फॉर्म 7 ले रहे हैं, क्योंकि असली जो शुद्धिकरण होगा सूची का वो बिना डिलीशन के नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास और भी आंकड़े हैं जिससे हमें अपनी सूची को परखना होता है। जैसे ईपी रेशियो 61% का एक आंकड़ा आयोग से हमें मिला हुआ है, तो ईपी रेशियो इसका मतलब है कुल मतदाता जनसंख्या के ऊपर कितने हैं जी, तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म 6 भर के आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, पर हम ये भी चाह रहे हैं कि फालतू नाम ना रह जाएं, उससे हमारा ईपी रेशियो भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो। और जब ऐसा माहौल बनने लगता है कि ईपी रेशियो ज़्यादा है विधानसभा में, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग फिर इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, बाद में कुछ इल्ज़ाम डालते हैं कि ये गलत वोट हैं, इनका कटना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें देखते हुए हम अभी भी ये काम कर रहे हैं, पर पूरे प्रिकॉशन के साथ। आपके यहाँ का रेशियो कैसा है ये? अभी हमारे यहाँ का ईपी रेशियो 64 है, जो कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, आंकड़े के हिसाब से, आयोग के टारगेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, पर इसमें अभी चेंज आएगा, इसलिए डिलीशन पर भी आपका अभी ध्यान केंद्रित है। जी जी, और कायदे में हर बूथ से अभी भी मैं मानती हूँ कि सूची में, क्योंकि ये शहरी एरिया है, यहाँ पे बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तो ऐसे कई नाम होंगे जो गलती से रह गए होंगे, और हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ों का कोई भी फायदा उठाएं। तो इसीलिए मेरा ध्यान है कि चाहे वो नाम अभी भी विलोपन ज़्यादा हो जाए उस चक्कर में, पर अगर वो नाम काटने योग्य है तो उसको काटना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो कटने लायक है, जो विलोपन के लिए है, उसे विलोपित किया ही जाए। जी जी, और हम आपसे जाने यदि तो मतदाताओं की स्थिति कैसी है, कितनी वृद्धि अभियान के दौरान दर्ज हुई है, कितने युवा बढ़े हैं, कितनी महिलाएं बढ़ी हैं जब से ये अभियान चला है 15 सितंबर से? जी जी जी, अभी हमारे पास कुल 12,000 के करीब फॉर्म 6 आ गए हैं, और ये खुशी की बात है कि उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं, महिलाओं की ऑलमोस्ट 50-50 का टक्कर ही थी, और अभी अभी महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है अपना नाम बढ़वाने में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 18 से 19 वर्ष का मैं कहूँगी कि अभी थोड़ा सा प्रगति धीरे है हमारी, और कुल मतदाता जो फॉर्म 6 हमने जो एक्सपेक्ट किए थे उसके हिसाब से कम है। तो आपके भी माध्यम से और जनता से मैं डायरेक्टली अपील करूंगी कि अगर आपने नहीं अभी भी फॉर्म 6 भरवाया है और आप अभी अभी आए हो, व्यस्तता सबकी होती है, पर 5 दिन है, 15 नवंबर तक आप लोग ज़रूर फॉर्म भरवाएं,
और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप तहसील पे डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर भी वहाँ दिया हुआ है और वहाँ पे भी हम फॉर्म्स ले रहे हैं उपजिलाधिकारी कार्यालय या तहसीलदार कार्यालय पे। इसके अलावा आप सबके आसपास जो सेंटर हैं वहाँ तो BLOs बैठते ही हैं विशेष अभियान में। यही बात नहीं होती है, बस BLO लोगों को नहीं मिलते हैं, लोग उनको ढूंढते फिरते हैं। जी जी, BLOs की हमें कुछ जगहों से शिकायत मिली है और एक BLO पे हमने FIR भी करा दी है इस मामले में, और मेरा लगातार रिव्यू चलता रहता है BLOs के साथ और सब पे बहुत कड़ी नज़र है हमारी, और जब तक जनता से हमें फीडबैक नहीं मिलेगा कि कौन BLO काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तब तक हम भी कार्रवाई करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो अगर कोई ऐसी बस्ती हो या ऐसी कॉलोनी हो जो BLO ने छोड़ दी है तो हम उसमें भी चाहेंगे कि जनता आप लोगों के कॉल आएँ, या तो आप मुझे कांटेक्ट करें या किसी को भी हमें इन्फॉर्म करें, सूचना दें कि यहाँ पे BLOs का काम कम है, तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है अब, पर इसमें विधानसभा मथुरा अभी पीछे है थोड़ी, तो मैं चाहती हूँ कि जनता का थोड़ा संपर्क बढ़े हमसे और BLOs पे जो हम अच्छी नज़र रख पाएंगे, बल्कि इसके लिए जो सुपरवाइजर्स को भी अभी निर्देश दिए गए हैं 3 बजे की मीटिंग में, वो इसी संबंध में हैं कि कोई भी BLO अगर 10 से कम फॉर्म दे रहा है तो जाहिर सी बात है, हाँ नहीं कुल मिला के अभी तक कुछ ऐसे भी BLO हैं जिन्होंने 10 से कम फॉर्म दिए हैं एक बूथ पर, तो जनसंख्या 1000 की हो और मतदाता जो हो वो 1000 हो और उनमें सिर्फ 10 और नाम जुड़े हों, ये थोड़ा सा सस्पिशियस लगती है सिचुएशन। तो ऐसे BLOs को हम चेतावनी दे रहे हैं और कल आपको शायद इन पे भी कार्रवाई की खबर मिलेगी। संख्या अब तक कितनी हो चुकी है मतदाताओं की लगभग मथुरा विधानसभा क्षेत्र? हमारी 6,50,000 है इस समय पे फॉर्म 6 का मिला के। 6,50,000 मतदाताओं की संख्या? नहीं नहीं, जनसंख्या है, ये जनसंख्या है। तो आप 60% से लगा लें आंकड़ा, हाँ 64% से लगा लें, 64% कुल मतदाता हैं अभी। एग्जैक्ट फिगर तो अभी मैं नहीं कैलकुलेट करके बता सकती। और जो संवेदनशीलता है उसको कितना आंका गया है अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों की? जी, इसमें भी हमारी लगातार तहसील स्तर पे वल्नरेबिलिटी मैपिंग जो कहलाती है, जो एरियाज थोड़े से सेंसिटिव हैं या जहाँ पे कोई इंसिडेंट्स पहले रिपोर्ट किए गए हों कि कुछ दबाव डाला गया है या फिर कहीं पे लालच दिया गया है, पैसा बांटा गया है किसी को वोट देने के लिए, तो उसकी हम पुलिस से एक समीक्षा कर रहे हैं और डायरेक्ट वहाँ से रिपोर्ट मंगा रहे हैं। पर इसके लिए मैं ये भी कहूँगी कि पब्लिक भी हमें डायरेक्टली फीडबैक दे सकती है। हमने हर पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी बात करी है, और अगर उनको भी लगता है कि कहीं पर अनफेयर प्रैक्टिसेस हों तो उसकी भी हम रिपोर्टिंग ले रहे हैं डायरेक्टली। तो अगेन इसके लिए मैं कहूँगी कि एक हमारे ऑफिस में फीडबैक बॉक्स तो लगा हुआ ही है, वहाँ भी कोई आके अपनी शिकायत डाल सकता है, नाम भी देना ज़रूरी नहीं है, और मुझे कॉल कर सकते हैं और अगर वो सूचना मिलेगी सकते हैं कि ARO 84 मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र जी सदर तहसील जी बिल्कुल वो आप बिना नाम के भी अगर देंगे तो मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि मैं उसकी जांच उसी दिन करा लूँगी, और इन सब शिकायतों को शामिल करके हम डेटाबेस अपना बना रहे हैं और ये अपडेट होता रहेगा जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते हैं। तो आप मतलब आज बताएं या एक महीने बाद भी बताएं, पर अगर आप बताएंगे तो इससे बहुत मदद मिलेगी और कहीं भी अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है उसको बचाया जा सकता है। अभी कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई हैं निर्वाचन आयोग द्वारा की गई हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की गई हैं। जी जी, तो उनसे क्या कुछ ग्रहण किया है आपने? इन जो मुख्य खास खास जानकारियाँ क्या हैं जो प्रत्याशियों के लिए आवश्यक हैं, जन सामान्य के लिए हैं, जैसे कुछ नए सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुए हैं? जी, सॉफ्टवेयर्स तो खैर ज़्यादातर EROs को मॉनिटरिंग के लिए दिए गए हैं,
तो उससे हम BLOs के काम पे नजर रख सकते हैं कि किस बूथ पे कितना आ गया है। पहले ये काम मैन्युअली होता था और पहले फॉर्म्स अपलोड नहीं होते थे, अब फॉर्म स्कैन होके अपलोड भी होने लगे हैं, तो एक बार जो अपलोड हो गया उसमें फिर कोई चेंज नहीं आ सकता है। तो इन तरीकों से हमने काफ़ी हद तक, मतलब जो एक हमारे रजिस्ट्रेशन सेंटर पे VRC पे जो एक कुछ कभी कभार गड़बड़ रिपोर्ट होती थी उसका स्कोप अब ख़त्म कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि एक बार वो फॉर्म ऊपर अपलोड हो गया है तो उसमें कोई चेंजेस अब ना ला सकते हैं और लाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे कोई। इसके अलावा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें समीक्षा इसी चीज़ की देखी जाती है कि किस जिले में कितने मतदाता रुचि ले रहे हैं, कितने जागरूक हैं, कितनी महिलाएं आगे बढ़ के अपना वोट बनवा रही हैं, कितने 18-19 साल के जो यूथ हैं हमारी वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों से एक हमारा भी एक रिव्यू होता है कि क्या इस ज़िले में कितनी जागरूकता है, इसमें कितना हमें करने का स्कोप है अभी भी। इसके अलावा बूथ जो हैं हमारे चिन्हित बूथ हैं वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया है कि वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, जैसे पीने का पानी हो, जैसे बिजली हो या फिर एक रैंप हो। जो विकलांग हैं हम उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर बूथ पे, हर मतदाता सूची में हम विकलांग भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि उनके लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी हो वो हम उसके लिए पहले से ही तैयारी कर सकें। तो इन सब चीज़ों से एक ही निष्कर्ष है कि निर्वाचन आयोग चाहता है कि कोई ना छूटे इस प्रोसेस से, सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, और जो भी पात्र हैं उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास यहाँ की अभी ID नहीं है, मेरे पास यहाँ पे अभी कुछ दिखाने के लिए प्रूफ नहीं है। अगर आप हमें लिख के भी दे देंगे कि मैं यहाँ पे इतने साल से रह रहा हूँ, और कोई वहाँ पे जो जैसे आपका मकान मालिक हो या कोई भी और हो संबंधित आदमी जो टेस्टिफाई कर सकें, तो हम उनके भी वोट जोड़ देंगे। तो पूरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि कोई बचे ना, अगर कोई वोट डालना चाहता है तो हमें उसे बेवजह रोकने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल, कॉलेजों में क्या कैंप आदि लगवाने की भी योजना है? बिल्कुल, कैंप्स लगे हुए हैं और अभी हमने, बल्कि आज ही हम डिग्री कॉलेजेस में फॉर्म्स बंटवा भी रहे हैं। तो पहले जो कैंप्स लगे थे उनमें काफ़ी लोग बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, और कुछ को हमने ऑनलाइन भरने के लिए दिए थे तो उनमें कुछ गलतियाँ पाई गई थी। तो अब हम फिर से फॉर्म्स बांट रहे हैं और वो 2-3 दिन के अंदर 15 तक वो फॉर्म्स भर के अपने प्रिंसिपल्स को भी दे दे तो हम वहां से कलेक्ट करवा लेंगे। और अलावा इसके मतदान केंद्रों में भी संशोधन संभावित है? मतदान केंद्रों में अब संशोधन नहीं होगा, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होंगे, जैसे कहीं पे पानी भर गया हो या दीवार गिर गई हो, छत गिर गई हो, तो हम रिपोर्ट भेजेंगे, वरना वो सब हमने पहले ही देख लिया है। अगर उसमें कोई दिक्कत पाई गई थी तो वो पहले ही बदल दिए गए थे। करीब कितने मतदान केंद्र हैं? 105 मतदान केंद्र हैं और उसमें जो बूथ हैं वो 427 हैं। 427 जी, और उनको इन्हीं क्राइटेरिया पे सबको टेस्ट किया गया है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, दीवारें ठीक हों, कमरे ठीक बने हों, खिड़की हों, दरवाजे हों और रैंप हो, बिजली हो, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं, और जहाँ पे अभी कमी पाई गई है उनको भी ठीक कराया जा रहा है। जी धन्यवाद आपका इतनी बातचीत हमसे करने के लिए। अभी तक हमारे साथ रहीं SDM सदर IAS मैडम चांदनी सिंह, जो ARO हैं 84 मथुरा विधानसभा क्षेत्र की भी। आपसे हमने आगामी चुनावों संबंधी जो तैयारियां चल रही हैं उनसे जुड़े समसामयिक सवालों को लेकर बातचीत की। आपने बताया कि BLO मतदान केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जबकि हमने कहा कि नहीं मिलते हैं, लोग उन्हें ढूंढते रहते हैं। तो आपने ये कहा है कि जन सामान्य इस बारे में सूचित करे कि कहां पर कौन सा BLO अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है या कि मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच रहा है। इसके साथ ही आपने आम जनमानस से, विशेषकर युवाओं से ये अपील की है जो 18 से 19 वर्ष के हैं, जो 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष के या उससे अधिक उम्र के हो रहे हैं, वे अभी अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। और अलावा इसके आपने ये भी कहा है आम जनमानस से कि जहां कहीं संवेदनशीलता है, कहीं कोई आशंका है, तो उसकी सूचना भी आप दे सकते हैं, SDM सदर ARO को दे सकते हैं, या इनके जो अधीनस्थ हैं तहसीलदार सदर, उन्हें भी सूचनाएं ये दी जा सकती हैं।
न्यू न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।